वेलकम बैक नाजरीन। काशिप बशीर साहब बात कर रहे थे। काशिप साहब आप बात को करें, क्या फरमा रहे थे? मेरा मामला ये कि पाकिस्तान का जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये पीएसएल नहीं है। हमारा जो मामला है इस वक्त, हमें जो डिमोरलाइज हुए हुए हैं, इस आइसोलेट हुए हुए हैं पूरी वर्ल्ड में, उसको हमने जो है ना ओवरकम करना है। और दुश्मन को दुश्मन कहना, जैसे मैं आपको पता है पहले भी कहता रहा हूँ, तो ये कॉस्मेटिक किस्म का मैच करके और कॉस्मेटिक अरेंजमेंट करके हमारे यहाँ पे टीम्स नहीं आएंगी। यहाँ पे आपको अमन चाहिए। यहाँ पे आम इंसान भी घूम फिर सके। ये नहीं है कि आप उनको एस्कॉर्ट करके और आप मैच करवा दें उसके बाद आम पॉइंट ये है, वो ये कह रहे हैं कि ये चूंकि उस तरह की एक्टिविटीज नहीं है, ये कमर्शियल है। उसे कमर्शियल रहने दो। जो मसलन जाहिर है आदमी बिल्ड में आके मैच करवाना चाहता है तो वो उस तरीके से जिस तरह हम इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि ये कोई कौमी का हम खिदमत कर रहे हैं, इस तरह नहीं है। तो इसके बाद भी ऐसे माहौल को रहना चाहिए, लोगों के जज्बे को इमराद करना है। मुझे बताओ, आप बताइए, मैं बताऊँ, मैं मिसाल देने लगा हूँ कि आपका पाकिस्तान का आइसोलेट हो गया है, पाकिस्तान बदनाम है, सब कुछ है। मैं बताऊँ दो वाक्य, आप ही देखते हैं, कहीं कोई जा रहा, कहीं एक्सीडेंट होता है तो वो लोग जिनका कोई रिश्तेदार नहीं, तो ऐसे जमकटा उठाते हैं उसको, फौरन अस्पताल लेके जा जाते हैं। मुसलमान कहीं किसी मुल्क में नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि कहीं अगर खून की जरूरत है, देखो दो दहशत गर्दियों में जब कुछ लोग शहीद हुए, उनके लिए खून देने के लिए लाइन क्यों लगी हुई है? लाइन खत्म नहीं हो रही। मुझे बताएं ये क्या चीज़ है? ये जज्बा ऊपर बदली है। ये इसी यही क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए लोग इस तरह प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसमें होगी कमर्शलाइजेशन भी होगी, लेकिन लोगों के खास भी देखे ना यार। अब बड़े अरसे बाद लोगों को खुशी नसीब हो रही है, कर रहे थे उनको, उसमें खुशी में इंसान गिर भी पड़ता है, चलते चलते थक भी जाता है। खास जो अनीस साहब ने बात की ना, वो शेयर करने वाली है। नहीं, बड़ी खुचार है ये। सबसे बड़ी बात उन्होंने, सारे टोट में तो हैरान हूँ सुन के, सारे टोट हमें जो प्लेयर चाहिए, आठ के चार, तो बड़ी देर से चल रहा है कि इनकी तादाद आठ ही है। नहीं, हमें तो नहीं पता था, अखबारों में सब पढ़ा है, टीवी पे आया है, उसके साथ कमेंटेटर्स हैं, उसके साथ कोचिंग स्टाफ है, और अगर वो सिंबॉलिक के लिए अगर वो नहीं आते, अगर बाकी नहीं आते इन चार के या आठ के अलावा, तो भी सिंबॉलिक के लिए अच्छा। दहशत गर्दी के खिलाफ जो एक्शन होना है वो बंद तो नहीं कर दिया, वो तो साइड बाय साइड चल रहा है। पहले ज़र्बे अज़ब था, अब रद्दुल फसाद शुरू किया है। रद्दुल फसाद में आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। तो ये इंशाल्लाह इसके नतायज बेहतर होंगे, जो आप हर रोज खबरें सुनते हैं, और जिस तरह आप यहाँ पंजाब में भी कॉम्बिंग हो रही है और थ्रू रेंजर्स हो रही है, तो इसके इंशाल्लाह लेट अस होप फॉर द बेस्ट। जी जावेद इकबाल साहब, टाइम थोड़ा। नाजरीन, आपने तमाम मुअज्जज़ मेहमानों के ख्याल सुने, उसमें पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए उसके हक में भी काफ़ी दलायल आए, और इस पीएसएल को ना करवाने पर भी बड़े दलायल आए। पाकिस्तान में बड़ी देर के बाद इंटरनेशनल मैच कजाफ स्टेडियम में खेला जा रहा है, उसके लिए कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। हर पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि दुश्मनों पर नज़र रखे। ऐसे शहरी, वो पुलिस वाला भी है, वो रेंजर भी बन जाए, वो फौज भी बन जाए, और तो अपनी हिफाजत और दुश्मनों के तरीक़ाकार उसके पाकिस्तान के खिलाफ साजियों को नाकाम बना दे। इंशाल्लाह ताला कल जो मैच होगा वो पाकिस्तान के लिए खुशी का पैगाम लाएगा। पाकिस्तानी कौम काफ़ी खुश है। इसके साथ ही मैं तमाम मेहमानान ग्रामीण का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।